एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन फिट एंड फाइन। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जैसे मैंने थंबनेल पे भी जो लिखा है कि पात्रास में जो है मैं 10 स्कूप वे प्रोटीन के ले रहा हूँ, और लोग कहेंगे कि 10 स्कूप से बहुत ज़्यादा हैं, क्यों ले रहे हो 10 स्कूप, क्या रीज़न क्या है, इसके पीछे का क्या मतलब कारण क्या है कि इतने जो है मैं मतलब इतना 10 स्कूप ले रहा हूँ वे प्रोटीन के। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं जो अपना जो प्रोटीन का इनटेक है वो मेरा होता है अराउंड 280 टू 320 के बीच ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। और अब नॉनवेज बंद है नवरात्रा में, तो उसकी वजह से कहाँ से मैं पूरा करूँ प्रोटीन। देखो 280 टू 320 ग्राम्स तक पहुँचने के लिए मुझे जो है 10 स्कूप जो वे प्रोटीन लेने पड़ रहे हैं। और जो हमारी बॉडी है वह बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। हम समझते हैं कि हम अपनी बॉडी से स्मार्ट हैं, हम अपनी बॉडी को अपने तरीके से चला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी जो है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो हमारी बॉडी को ये नहीं मालूम, मतलब हमारी बॉडी की आंखें नहीं है, उसको नहीं मालूम, हमारे मसल्स की आंखें नहीं है, उनको नहीं मालूम कि हम चिकन से प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, या एग से कर रहे हैं, या दालों से कर रहे हैं, या यू नो बीन से कर रहे हैं, तो या वे प्रोटीन से कर रहे हैं। बॉडी को क्या है, प्रोटीन चाहिए। जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, वो आपको ये बताऊं कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, और जो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें होती है फैट्स। उस करके जो है मैं अपना जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो मैं वे प्रोटीन से पूरी कर रहा हूँ, 10 स्कूप लेता हूँ। मैं फास्टिंग करता हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी भी करता हूँ, और जब अपना फास्ट ब्रेक करता हूँ मैं, तो उस वक्त मैं जो है अब नवरात्रास में जैसे दाल चावल खा ली, और कई बार पनीर की भुर्जी के साथ दाल चावल मिक्स करके खा लिया, फिर कई बार पास्ता होता है, पास्ता बना लिया, उसमें पनीर डाल लिया, और ओट्स में सारा कुछ जो अपना आलमंड्स वगैरह सब मिक्स करके, कैशीज, वॉलनट्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मिक्स किया, पीनट बटर डाल लिया, तो उसमें भी जो है 5 स्कूप वे प्रोटीन के डाल लिए। तो इस हिसाब से जब मैं ये सब मिक्स करता हूँ, जब ये मैं सारी चीज़ें लेता हूँ, तो अराउंड 300 के ग्राम्स जो है मैं पहुँच जाता हूँ, जो मेरी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। और ये कोई पागलपन नहीं है कि 10 स्कूप वे प्रोटीन के लेना, ये इसलिए मैं ले रहा हूँ कि 9 दिन के लिए मैं लूँगा ऐसा, पूरा साल ऐसा नहीं लेता मैं 10 स्कूप। जब अब नवरात्रा था तो उस 9 दिनों में मैं ऐसा करूँगा, ताकि जो मेरा मसल मास का जो लॉस है वो कम से कम हो। और ये एक छोटी है कि जिस तरह की फिजीक आप नॉन वेज से बना सकते हो, वैसी फिजीक आप वेज से नहीं बना सकते। उस तरह की क्वालिटी, उस तरह का मसल की जो डेंसिटी है वो वेज से नहीं आती। तो इसलिए क्या है कि इन 9 दिनों में मैं, ताकि ठीक रहूं, अपना जो मसल का जो मास है वो मेरा रिजर्व रहे, डाउन मत हो, तो उस हिसाब उसके लिए मैं जो है दिन में 10 स्कूप वे प्रोटीन ले रहा हूं। और ज़रूरी नहीं कि 5-5 इकट्ठे लेने हैं, मतलब मैं 2 मील्स लेता हूं तो उस हिसाब से मैं 5-5 करके ले लेता हूं। अगर कोई 6-7 मील लेता है तो उस तरह से वो डिवाइड कर सकता है बंदा, बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इस तरह से जो है 10 स्कूप वे प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ। और इसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, इट्स अ फूड, मतलब फूड से बना है वे प्रोटीन। दूध जब पनीर बनता है, पनीर का पानी निकलता है, उस पानी को वो प्रोसेस करते हैं और उसका पाउडर बनता है फैक्ट्रीज में, और फ्लेवरिंग एंड ऑल जो भी होता है उस, फिर वो पैक करते हैं उसको। तो ये मतलब दूध से ही आया है, ये कोई हवा में बन के नहीं आया वे प्रोटीन। तो इसलिए जो है मैं अपना नवरात्रास में 10 स्कूप के करीब जो है अपना वे प्रोटीन लेता हूँ, ताकि जो मेरा मसल प्रिजर्व रहे। और लास्ट में ये कहूँगा कि आप लोग अपना ध्यान रखें, आप लोग कोविड के चलते जो सेकंड वेव का जो अब आ रहा है न्यूज़ में, इम्यूनिटी बूस्ट रखें, अच्छी डाइट लें, अच्छा खाएं, जंक फूड से दूर रहें, और विटामिन सी जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है उसे कंज्यूम करें, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बरकरार रहे। बस यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, आऊँगा फिर अगली वीडियो में। कोशिश कर रहा हूँ कि अब डेली कुछ ना कुछ डालूँ वीडियो,
और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहें गाइस, और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक कर सकें इस वीडियो को, और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।